सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। छठी कक्षा में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 36, दो असमान अंतर रेखाएं ए बी और एच एल को बिना बढ़ाए उनके मध्य कोण को विभक्त करो। तो हमारे पास दो असमान अंतर रेखाएं दी हुई है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने रेखाएं जो हम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कोण और रेखाएं, इसकी परिभाषाएं आपने याद करनी है। तो यदि आपको परिभाषा याद आती है तो आपका कार्य थोड़ा सुलभ हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, दो रेखा लेनी है। सबसे पहले हम ले लेते हैं रेखा ए और बी। ये आपकी रेखा ए और बी आ गई है और आपके पास एक रेखा दी हुई है एच एल। तो हम यहाँ से एच एल एक रेखा ले लेते हैं, असमांतर रेखा है। ये आपकी आ गई एच एल, ये दो रेखाएं आ गई है। और हमने क्या करना है, देखो हम इस पे दो पॉइंट ले लेते हैं नीचे, जो ये आपकी रेखा है, ये हमने ले लिया यहाँ पे एम और यहाँ हम ले लेते हैं पी। और आप नहीं चाहो लेना तो नहीं भी ले सकते, आप ए और बी से भी कार्य कर सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसी तरह से हम ऊपर भी इस एल और एच जो रेखा है इसमें भी पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ हम पॉइंट ले लेते हैं एक आर और हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं एफ। और नहीं भी लेना चाहे तो भी ये चलेगा। फिर आपके पास दो पॉइंट है एच और एल। ये हमने क्यों लिए, क्योंकि हमें इसके समानांतर रेखा लेनी पड़ेगी ऊपर की रेखा का भी, इसका भी, ताकि दोनों रेखाएं जहां कटेगी वहां पे इनको मिलने पे कौन बनेगा। तो कार्य शुरू करते हैं। हमने क्या करना है, प्रकार आपने खोल दी है इस तरह से, और आपने क्या करना है, एम जो आपका पॉइंट है यहां पे प्रकार रख करके आपने इस तरह से डॉटेड लाइन लगा देनी है, और आपने पी पॉइंट पे भी प्रकार खोल के आपने इस तरह से डॉटेड लाइन लगा देनी है। और अब आपने क्या करना है, ऊपर से जो है इन रेखाओं को आपने रेखा लगा देनी, इन चापों को आपने मिला देना इस तरह से डॉटेड। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये हमने इनको मिला दिया है, इस तरह से हमने इनको मिला दिया है। इस रेखा का जो हम नाम दे देते हैं वो है के और एस, इस तरह से हम नाम दे देंगे। अब जितनी प्रकार आपने यहां खोल रखी थी पहले उतनी प्रकार खोलो, अब प्रकार आपने कम नहीं करनी है, आर पॉइंट पे प्रकार रखो और यहां से आपने चाप लगा देनी इस तरह से और आपने एफ पॉइंट पे प्रकार रखनी है और यहां पे आपने दूसरी चाप इस तरह से लगा देनी है, आप देख सकते हैं। और अब आपने क्या करना है, इन चापों को भी आपने आपस में मिला देना है इस तरह से, हम इनको भी डॉटेड आपस में मिला देंगे। इस तरह आप देख सकते हैं हमने चापे आपस में मिला दिए। ये जो रेखा आ रही इसका नाम हम दे देते हैं सी और डी। अब आप देखो दोनों चापे जहां पे मिल रही है ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया है और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ई। अब आपके पास ये दोनों रेखाएं जहां पे आगे जाकर के मिलनी थी ना, यही कोण बनना था, इसी तरह का कोण बनना था। अब हमने क्या करना है, ये जो आपका कोण आ रहा है, कह रहा है कि इसका आपने विभक्त भी करना है। पहले तो मध्य कोण निकालना, फिर इसको विभक्त करना है। तो विभक्त करने के लिए हमें क्या करना है, ई पॉइंट आपका आ रहा है, यहाँ हमने प्रकार रखनी है और प्रकार रख करके हमने यहाँ से इस तरह से चाप लगा देनी है। इस चाप का आप नाम दे सकते हैं, यहाँ नीचे इसका नाम हम दे देते हैं वाई और ऊपर जो हम नाम दे देते हैं वो है जी, यहाँ पे हमने दे दिया है। अब आपने क्या करना है, जितनी प्रकार आपने ना ई से वाई तक या जी तक खोल रखी थी प्रकार उतनी रहेगी आपकी, ज़्यादा कम नहीं होगी। आपने क्या करना है, वाई पॉइंट पर आपने प्रकार रख दी यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे आपने एक चाप लगा देनी है डॉटेड इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से आपने डॉटेड चाप लगा दी। अब आपने जी पॉइंट पर प्रकार रखनी है इस तरह से, आप देख सकते हैं, और इस चाप को आपने काट देना है इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कट रहा है, ये जहां पे ये आपस में कट रही है लाइन, ये चापे आपस में जहां पे कट रही है, इस पॉइंट का नाम आप यहां पे, ये पॉइंट है, इसका नाम आप दे सकते हैं यहां पे एन। आपने क्या करना है,
एन और ई को आपस में मिला देना है। और ये आपकी जो रेखा है ये उत्तर की रेखा है, तो ये आपकी डार्क लाइन आ जाएगी इस तरह से। ये आपका प्रश्न नंबर है 36। और आपने ध्यान रखना है ये पेपर में बहुत पूछा जाता है प्रश्न, तो आपने इसको अच्छे से हल करना है। ये आपका हल हो चुका है। अगला आपका है प्रश्न नंबर 37। दिए कोण सी ए बी को सेट स्क्वायर द्वारा दो समान भागों में विभक्त करो। सेट स्क्वायर द्वारा हमने दो समान भागों में विभक्त करना है, तो सबसे पहले तो आपने एक कोण लेना है सी ए बी, तो हमें कोण ले लेते हैं सी ए बी इस तरह से, कोण ले लेते हैं सी ए बी वही, ये हमने कोण ले लिया है, इसका नाम दे देते हैं सी, ये आपका आ गया ए, ये आपका आ गया बी, इस तरह से आपका कोण ले लिया। अब सेट स्क्वायर द्वारा हमने इसको बराबर भागों में बांटना है, तो आप कोई सा भी सेट स्क्वायर ले सकते हैं, आप बड़ा भी ले सकते हैं, आप छोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। मैं दोनों से आपको अभी बताता हूँ कैसे इसको आपने डिवाइड करना है। देखो सबसे पहले हमने इस पर एक पॉइंट लेना है, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, ये हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पे ई, तो आपने क्या करना है थोड़ी सी चीज जो इसमें कॉमन है, जितना आपके पास ए से ई है ये आप देख सकते हैं, ये इतनी दूरी पे आपने यहाँ पे इस रेखा पे ए सी रेखा पे एक पॉइंट लगा देना, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं एफ। ये चीज आपने कॉमन रखनी है, तो जितनी दूरी ए से एफ है उतनी दूरी ए से ई, ये आपने कॉमन रखना है। अब जैसे आपके पास ये सेट स्क्वायर है, इसको आपने इस तरह से रखना है, यहाँ पे ये जो आपका आ रहा है ठीक, ये आपका ये जो लाइन है इस लाइन पे आपने सेट स्क्वायर लगाना है इस तरह से, तो यहां से आपने डॉटेड लाइन लगा देनी है, यहां से इस पॉइंट से जो आपका ये पॉइंट ई पॉइंट है, यहां से आपने डॉटेड लाइन ऊपर को लगा देनी है इस तरह से, इस तरह से आ जाएगा इतने में। और ये रखना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का जो कोण आपकी जो रेखा आएगी ना, ये जो 90 डिग्री का आपका कोण है ये इस रेखा पे इधर को आना चाहिए बस ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसी तरह से ये 90 डिग्री का कोण है ये बाहर को रहेगा, ए ए की साइड नहीं ई की साइड रहेगा इस तरह से, और आपने इस तरह से ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपने यहाँ से इसके लगा दिया है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने रेखा खींच देनी है, डॉटेड लाइन आपकी आएगी ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा सेट स्क्वायर छापने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप पूरा सेट स्क्वायर नहीं बनाना, आपने सिर्फ इस तरह से बनाना है तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा इस तरह से। अब जहाँ पे ये बिंदु पे मिल रही है ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे या रेखा के ठीक है, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं के। अब आपने क्या करना है, ए और के को आपस में मिला देना है, जब देख सकते हैं ये आपने डार्क अपन इसको इस तरह से डार्क मिला देना है, और ये रेखा आ गई है ए डी, ये आपके सेट स्क्वायर द्वारा ए सी ए बी कोण का समद्विबाह विभाजन करती हुई आ रही। अब मैंने बताया था कि मैं दोनों सेट स्क्वायर से आपको करके बताऊंगा, तो ये जो सेट स्क्वायर आपका इसको भी आपने इधर को इस तरह रखना है, अभी थोड़ा सा बाहर को चला जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा बाहर को जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का कोण आपने बाहर को रखना है मतलब ए बी की साइड, तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ ऊपर ही लगाऊंगा लाइन, ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं लगाऊंगा इस तरह से, ये देखिए तो यहाँ पे जैसे लगभग मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये लाइन आ रही है, तो मैं यहीं पे चाप लगा देता हूँ, ये लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरह से। और अगर हम यहाँ पे इसको रखते हैं 90 डिग्री के लिए, यहाँ पे 90 डिग्री के लिए हमें बाहर को रखना पड़ेगा, ये कोण बाहर को रखना पड़ेगा यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, तो ये देखिए आप यहाँ पे यदि हम इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं ना, इस रेखा को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये रेखा आप किसी भी सेट स्क्वायर से ले सकते हैं, आप बड़े से लो छोटे से लो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से 90 डिग्री का हमने बाहर को रख दिया, तो यहाँ से ये यदि हम एफ पॉइंट पे ये यहाँ पे लगा रहे, ये देखिए यहाँ बिल्कुल यहीं पे आ रहा है, आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर यहीं पर कट रहा है, तो आप चाहे बड़े सेट स्क्वायर से लो चाहे आप छोटे सेट स्क्वायर से आपने इसका समद्विबाह विभाजन करना है, आप दोनों सेट स्क्वायर से इसका समद्विबाह विभाजन कर सकते हैं, हेलो चाहे बड़े सेट स्क्वायर से करो चाहे छोटे सेट स्क्वायर से करो, किसी से भी आप इसका समद्विबाह विभाजन
कर सकता है, ये प्रश्न नंबर आपका है 37। आपने फ्री माइंड कार्य करना है, आपका कार्य बिल्कुल भी गलत नहीं है।